हेलो नमस्कार दोस्तों, ये हमारे पास एक कॉर्डलेस मशीन है। इसके साथ दो बैटरी दिया था, उसमें से एक बैटरी ख़राब हो गया है दोस्तों, तो आज हम लोग उसको रिपेयर करने के लिए सीखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है दोस्तों, ये अच्छा वाला बैटरी है। इससे आपको हम देख लीजिए चला के दिखाते हैं। ये देखिए मशीन है जो अच्छे से बिल्कुल वर्क कर रहा है, लेकिन जो दूसरा बैटरी है उससे नहीं चल रहा है दोस्तों। तो क्या है अभी उसको हम कैसे चेक करते हैं क्या ख़राब है इसको, ये वो चेक करके और आपको दिखाते हैं। ये जो हमारे पास है ये बैटरी है जो देख लीजिए ये वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी क्या है दोस्तों कि इसको खोलने के लिए यहाँ पे देख लीजिए तीन स्क्रू रहता है इसके पीछे, स्टिकर से छिपा हुआ है। तो ये क्या है स्क्रू पहले खोलना है। अभी क्या है हम सबसे पहले स्क्रू खोलेंगे। स्क्रू खोलने के बाद क्या है उसे है बैटरी दिखे निकाल के दिखाते हैं। अभी क्या है हमने स्क्रू है जो ये देख लीजिए इस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हमने खोल दिया है। इसको खोलने के बाद यहाँ पे देख लीजिए इसके अंदर है जो तीन बैटरी रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए यह बैटरी इसका क्या है अंदर में सब सोल्डरिंग किया हुआ रहता है, वो आपको खोलना पड़ेगा। ये देख लीजिए हमने खोल दिया यहाँ पे। और खोलने के बाद दोस्तों इसमें से बैटरी चेक करते हैं, ज़्यादा चांसेस होता है बैटरी ख़राब रहता है दोस्तों इस किट में। इसमें क्या है कि बैटरी ज़्यादा चांसेस रहता है ख़राब रहता है, किट जल्दी ख़राब नहीं होता है दोस्तों। ये देख लीजिए इसमें जो बैटरी का वोल्टेज है वो बहुत कम आ रहा है, कम मिनिमम कम से कम 3 पॉइंट से ज़्यादा ही आना चाहिए 3 वोल्टेज से। अभी क्या हम ये दोनों बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे, तो उसके लिए देख लीजिए यहाँ पे ऊपर में जो है माइनस पॉइंट जो कॉमन है उससे चेक कर लेते। यहाँ देख लीजिए एक बैटरी का वोल्टेज है 3.9 आ रहा है, 3.92 ये दोनों बैटरी का आ रहा है, मतलब ये दो बैटरी सही है, लेकिन इस बैटरी का है जो इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो मतलब ये बैटरी है जो ख़राब है दोस्तों। तो अभी हम क्या करेंगे उसके जगह पे हमने एक मार्केट से इस साइज़ का बैटरी नहीं मिल रहा था, तो हमने चेक करने के लिए देख लीजिए इस साइज़ का दूसरा बैटरी मंगाया है। और इसको पहले आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। ये देख लीजिए इसका वोल्टेज देख लीजिए कितना आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 3.9 वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये बैटरी अभी सही है। तो इसको हम वहाँ पे एक्सचेंज करके देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप इस ढंग से मैंने वहाँ पे सोल्डिंग करके और सब हमने तैयार किया है। आपको इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है करने के लिए, लेकिन आप करेंगे तो हो जाएगा। आपके पास सोल्डिंग आयरन वगैरह रहेगा तो आप कर सकते हैं इसको दोस्तों। अभी हम इसमें आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये देख लीजिए 11.778 वोल्टेज आ रहा है, मतलब कि बैटरी लगभग 12 वोल्ट आउटपुट दे रहा है 12 वोल्ट का। तो अभी क्या है हम इसको अब जैसे था उसको उसी ढंग से पैक करेंगे। ये देख लीजिए आपको इसमें क्या है एक जिधर से चार्जिंग लेता है उधर का आपको देख के आपको फिनिश करना पड़ेगा। तो उसे क्या है दोस्तों कि ये बैटरी है जो अच्छे तरीके से उसमें जाके फिक्स हो जाएगा। ये देख लीजिए इस ढंग से यहाँ पे देख लीजिए आप अच्छे से। अभी क्या है जैसे नया में आता है उस ढंग से तो आपको बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आ पाएगा इसमें जब आप करेंगे। तो इसमें क्या है थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पाता है उतना 100%, लेकिन आप यूज कर सकते हैं। अच्छा बैटरी डाल देंगे तो अच्छा आपको बैकअप मिल जाएगा इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसको पहले हम देख लीजिए पैक करते हैं इसको फिर से। बैटरी हमारा रेडी हो गया, इसमें बैटरी ख़राब है दोस्तों, आउटपुट मिल रहा है मतलब कि 100% चलेगा अब इससे। इसमें बैटरी चेंज करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन आप जब करेंगे बैटरी चेंज, सिर्फ बैटरी आपको एक्सचेंज करना है, कौन सा बैटरी ख़राब है वो चेक करके आप बैटरी आप एक्सचेंज कर दें तो बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों उतना। ये देख लीजिए फिर से हमने स्क्रू को हमने फिनिश कर दिया। अभी इसको टाइट करेंगे स्क्रू को। ये क्या है ये बैटरी है जो सेम साइज़ का नहीं है, उसके वजह से दोस्तों उस पर सही से फिनिशिंग बैठ नहीं पा रहा है। तो उस हिसाब से हम इसको फिक्स कर देंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास इसका फिक्स स्क्रू ड्राइवर नहीं था, इसलिए थोड़ा सा हमें और भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। ये नया वाला बैटरी, नया वाला नहीं मतलब कि ये अच्छा वाला बैटरी है दोस्तों, और ये जो हमने अभी रिपेयर किया था वो बैटरी है। अभी आपको इस दोनों बैटरी से हम आपको मशीन चालू करके दिखाएँगे। ये देख लीजिए ये नया वाला, ये देख लीजिए जो हमने रिपेयर किया था अभी इससे बैटरी से। आपको अभी हम ये देख लीजिए मशीन में आपको लगाना है यहाँ पे। ये देख लीजिए अभी चालू करके दिखाते हैं आपको। देख लीजिए यहाँ पे अच्छा से वर्क कर रहा है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे आप थोड़ा सा बैटरी सोल्डिंग करने में आपको प्रॉब्लम होगा इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, लेकिन आप करेंगे तो 100% हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। और ये नया वाला जो अच्छा वाला बैटरी है उससे भी चल रहा है दोस्तों।
ये देख लीजिए, बिल्कुल स्पीड में चल रहा है, जिस ढंग से चलता है दोस्तों उसमें कोई शक नहीं है। ये देख सकते हैं, यही बैटरी है था जो ख़राब था, दूसरा बैटरी एक्सचेंज किए तो हमारा सही हो, एक्सचेंज किया सही हो गया दोस्तों। अभी क्या है, आपको हम इस बैटरी से चला के भी दिखा दिए, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा इसके लिए आपको अच्छा सा सोल्डिंग आयरन एक रहना चाहिए जो आपको अच्छे से सोल्डिंग कर सके, और बाकी एक पेस्ट वगैरह रंग वगैरह होना चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर जो वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और कुछ भी प्रॉब्लम हो दोस्तों एक बार कमेंट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।